मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन के मामले में बात करते ना, तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है? क्या वो वन प्लस के फोन की इमेज आती है, क्या वो असुस के ROG की इमेज आती है, या फिर Xiaomi के Mi 10T की इमेज आती है, या क्या पता Samsung के Exynos प्रोसेसर वाले S20 की इमेज आती है? Well, बात करें तो सारी कंपनीज अपने बढ़िया बढ़िया फोन तो बनाती हैं, लेकिन इनको हम फास्टेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन कह नहीं सकते। मतलब फास्टेस्ट इन द सेंस हम किस में बात करें, क्या हम Antutu स्कोर में बात करें, मतलब बेंचमार्किंग क्या है? लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात आती है कि फास्टेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सब में लगभग एक चीज तो कॉमन रहती है, मतलब अगर मैं सैमसंग को हटा दूं यहाँ पे, तो वो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 865 लेटेस्ट चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 865 प्लस उसके भी ऊपर का चिपसेट है, लेकिन जितने भी मोस्ट पावरफुल एंड्रॉयड स्मार्टफोन है ना मार्केट में, सबके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप हाई एंड वाला जो प्रोसेसर है ना, वो देखने को मिलता है। लेकिन सारी बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी ये है कि क्वालकॉम है, अगर वो खुद का अगर स्मार्टफोन बना दे तो वो दुनिया का मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन होगा कि नहीं, क्योंकि आज के समय में ऐसी कुछ खबरें आ रही है जिसे सुन के ये लग रहा है कि जो असुस है वो क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके एक गेमिंग फोन को उतार सकती है, जो कि पहला स्मार्टफोन होगा स्नैपड्रैगन 875 पे चलने वाला। तो चलिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी जान लेते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो थोड़ा सा भी, तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 5 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम एग्जैक्टली क्वालकॉम है ना, वो फोन क्यों नहीं बनाती। वेल देखा तो फोन बनाती है, उसे कहा जाता है रेफरेंस डिवाइस। अब मान लो आप लोगों को मालूम है यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन काफी बढ़िया प्रोसेसर बनाती है, लेकिन जब वो प्रोसेसर बनाती है तो उसे शोकेस करने के लिए वो सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं दिखा दे, वो एक रेफरेंस फोन दिखाते हैं जिसका यूज करके कंपनीज देखे कि फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स है, और उन फीचर्स को कंपनीज अपने फोन के अंदर अडॉप्ट करें और उनको अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट करो, लोगों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचे। क्वालकॉम का मेन एम ये रहता है, लेकिन जो कंपनीज है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल लेती हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज है ना वो आपको सारे फीचर प्रोवाइड नहीं करती जो क्वालकॉम देना चाहती है। एक काफी अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्वालकॉम की क्विक चार्ज 5 टेक्नोलॉजी। 100 वॉट की चार्जिंग सॉल्यूशन है क्वालकॉम की तरफ से, अभी तक एक भी फोन मार्केट में नहीं आया, देखते आने वाले समय पहला फोन कौन सा होता है। लेकिन उसके अंदर क्लेम किया गया कि 0-50% बैटरी 5 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है, काफी अच्छी चीज है। लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि आपको कितने फोन्स में चीज देखने को मिलेगी, मतलब वन प्लस के पास खुद की वॉप चार्जिंग है, रियलमी के पास डार्ट है, शॉमी भी अपना खुद का फास्ट चार्जर बना रही है, वीवो की फ्लैश चार्जिंग है, ओप्पो की वूक है, हर कंपनी अपने हिसाब की नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है और वो अपनी खुद की चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रमोट करते हैं, बजाय कि क्वालकॉम की जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है वो ले। जबकि जो क्वालकॉम है ना वो अपने प्रोसेसर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, सिर्फ परफॉर्मेंस तक बात नहीं है, गेमिंग की परफॉर्मेंस किस तरीके से ऑप्टिमाइज की जाए, किस तरीके से ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज किया जाए, किस तरीके से AI को ऑप्टिमाइज किया जाए, किस तरीके से दूसरे फीचर से वो इंप्लीमेंट किए जाए जिसका यूज़ करके, मतलब कोई भी फोन अगर उनकी SoC को यूज़ करता है ना, उसके अंदर जो फीचर सेट होता है ना, जो फीचर्स मिलते हैं कमाल कमाल के, वो देखने में बढ़ जाए। एक और मेरे पास काफी एक अच्छा एग्जांपल है जिसको क्वालकॉम ने बहुत पैशनेटली डिजाइन किया था, लेकिन किसी भी एंड्रॉइड मेकर ने उसे अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया, वो है डॉल्बी विजन में HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर। आज के समय में आईफोन 12, 12 Pro, Pro Max, सारे जो iPhones हैं ना लेटेस्ट वाले, सब Dolby Vision HDR में वीडियो रिकॉर्ड करने के कैपेबल है। लेकिन ये जो फीचर है ना Snapdragon 865 में ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन अभी तक मार्केट में एक भी ऐसा फोन नहीं है जो Dolby Vision HDR में वीडियो रिकॉर्ड कर सके। यानी कि कंपनीज के पास मौका था कि Apple से पहले टेक्नोलॉजी अपने फोन तक ला सकते थे, Android फोन में Snapdragon 865 वाले हर फोन में चीज आ सकती थी, लेकिन कंपनीज ने इसे इंप्लीमेंट ही नहीं किया। अब देखा जाए तो अब एप्पल यहाँ पे आगे निकल गई, हो सकता है कि अब एप्पल को देखकर दूसरी कंपनीज भी इंप्लीमेंट करें। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है, कहने का मतलब है कि हर साल जो क्वालकॉम है ना वो अपने स्नैपड्रैगन का कोई भी प्रोसेसर होता है, जैसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 875 आने वाला है, उसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज डालेगी, लेकिन कंपनीज है ना उस टेक्नोलॉजी को यूज करती ही नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्हें एक अच्छा तरीका मिला कि क्यों ना वो अपना खुद का फोन निकाले। अब देखा जाए तो क्वालकॉम एक चिप बनाने वाली वो डायरेक्टली फोन बिजनेस में नहीं आ सकती, लेकिन यहां पे खबर आती है कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं असुस के साथ। अब असुस है आप लोगों को मालूम है काफी फेमस PC और जो PC पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ना वो है, ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में तो वर्ल्ड लीडर है वो। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि असुस के जो ROG सीरीज है ना उसमें भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, दुनिया के जो बेस्ट पॉसिबल गेमिंग फोन होते हैं ना ROG सीरीज के होते हैं, और असुस और क्वालकॉम की पार्टनरशिप है ना काफी लंबे समय से बहुत अच्छी चल रही है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मेरे पास,
2018 में ROG Phone 1 में आपको overclocked Snapdragon 845 देखने को मिला था। ये किसी दूसरे फोन में नहीं आया था। Snapdragon 855 Plus के साथ चलने वाला जो पहला फोन था मार्केट में ROG Phone 2 था, और ROG Phone 3 भी Snapdragon 865 Plus के साथ चलने वाला सबसे पहला फोन बना। और देखा जाए तो अभी जो रिसेंटली OnePlus 8T लॉन्च हुई उसमें भी Snapdragon 865 Plus नहीं आता, और जो Xiaomi का Mi 10T उसमें भी Snapdragon 865 Plus नहीं आता। यानी लग रहा है कि Asus के पास कोई स्पेशल एक्सेस है Qualcomm के Snapdragon चिप्स का, जिसका वो यूज कर रहे अपने फोन्स के अंदर और ज्यादा पावरफुल फोन्स बनाने के लिए। ये काफी अमेजिंग बात हो जाती है। जनरली हमने ऐसा दूसरी कंपनीज के साथ नहीं देखा कि एक कोई प्रोसेसर कंपनी ने निकाला जो कि फ्लैगशिप लेवल का हाई एंड प्रोसेसर है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फोन या पर्टिकुलर ब्रांड तक लिमिटेड है। तो लग रहा है कि Qualcomm और Asus की ऐसी पार्टनरशिप है तो लग रहा है कि इसका फायदा वो आगे चल के उठा सकते हैं। अब इसका एग्जैक्टली मेन रीजन ये कि Qualcomm जो फोन को डिजाइन करेगी, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मार्केटिंग, जो मार्केट में ले जाकर जिसे बेचने वाला काम होगा, वो काम Asus करेगी। Asus के पास उसकी ऑलरेडी फैक्ट्रीज वगैरह काफी सारी चीजें, तो Asus वहां पर उस फोन को बिल्डअप वगैरह कर सकती है और उसके बाद आगे चल के Asus उसे बेच सकती है। लेकिन जो डिजाइनिंग, जो फीचर इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है ना, वो Qualcomm कर सकती है। अब देखा जाए तो 1 दिसंबर को जो Qualcomm है ना, वो अपना लेटेस्ट Snapdragon 875 ऑफिशियली अनवील करने वाली है। हो सकता है उसके साथ जो रेफरेंस डिवाइस होता है उसे भी वो दिखाए, यानी कंपनीज को दिखाए कि रेफरेंस फोन हमने बनाया है, इसका यूज करके आप मार्केट में अलग अलग फोन्स को बना सकते हैं। तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन क्या हो कि उसी इवेंट में Qualcomm है वो अपना खुद का जो फोन होता है, जो दुनिया का पहला Snapdragon 875 वाला पावर फोन है, वो अनवील कर दे। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये चीज हो सकती है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हो सकता है 2021 में Qualcomm और Asus इस चीज को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो कुछ ऐसी खबरें भी सुनने में आई हैं कि जो Asus है वो अभी Qualcomm के साथ कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप में काम कर रही है कि एक साल में वो लगभग 1 मिलियन फोन को बेचेंगे, जिसमें से जो 500,000 फोन होंगे वो Qualcomm के साथ पार्टनरशिप में वो करके वो फोन बनाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल 500,000 फोन होंगे ना, वो शायद ROG सीरीज के अंदर हो। तो कुछ इस तरीके की चीज हो सकती है कि साल के फर्स्ट हाफ में वो Qualcomm के साथ पार्टनरशिप करके एक फोन निकाले, और उसके बाद साल का जो सेकंड हाफ होगा वहां पे वो ROG सीरीज का जो चौथा फोन होता है उसे वो इंट्रोड्यूस करें। कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर इस टाइप की चीजें होती है तो बहुत ही सही मजा आ जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली अगर ये फोन इंडिया में आए या ना आए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो दूसरी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, और दूसरी कंपनीज भी फिर प्रेशराइज होंगी कि एक मार्केट में एक ऐसा फोन मौजूद है जो कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा, और हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर लैग कर रहे हैं, तो वो भी अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगी। और अभी मार्केट में सिर्फ दौड़ लगी रहती है ना कि पहला कौन सा फोन आएगा स्नैपड्रैगन के 875 प्रोसेसर के साथ, सबसे सस्ता फोन कौन सा होगा, इस टाइप की अजीब अजीब दौड़ लगी रहती है। तो हो सकता है वो शायद दौड़े थोड़ी शांत हो और आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के फोन्स देखने को मिले। यानी कि भले ही स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो चीज वो लेके आ रहा है ना, उसका अच्छे तरीके से फायदा उठा पाए। क्योंकि आज के समय भी मार्केट में अभी एक भी ऐसा फोन नहीं है जो स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर पर चलता हो, और जितने भी कमाल कमाल के फीचर स्नैपड्रैगन के उस प्रोसेसर ने इंट्रोड्यूस करे ना, वो सारे के सारे आपको उस फोन के अंदर देखने को मिले। मार्केट में अभी एक भी ऐसी चीज नहीं है। लग रहा है कि ये जो चीज है ना, यहां पर सॉल्व कर सकती है। और इसका एक और बेनिफिट ये भी हो सकता है कि Qualcomm जो हो सकता है अगर वो फोन बिजनेस में अगर आ रहा है Asus के थ्रू भी, तो वहां पे वो क्या कर सकता है, जो Snapdragon 875 की जो सबसे बेस्ट चिप्स होंगी ना, उन्हें वो इंप्लीमेंट कर सकता है। ये काफ़ी ऐसे सेल्स बनाती है। यानी कि जब भी प्रोसेसर की फैब्रिकेशन होती है तो बिनिंग के अंदर आपको क्या होता है कि आपको थोड़े अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जिसे आगे चल के कंपनी प्लस नाम से बना के बेचती है। तो हो सकता है इस सबका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ऑलरेडी उस फोन के अंदर देखने को मिल जाए। इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है। तो ऑल एंड बात करें तो फास्टेस्ट एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ यह है कि आपको काफ़ी कमाल कमाल की टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी जो इससे पहले जो दूसरी कंपनी थी ना, वो इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो फिर देखने वाली बात होगी आखिर कब होता है, कैसे होता है, किस कीमत पे देखने को मिलता है, इंडिया में कब आता है, ये भी काफी बड़ा सवाल रहेगा। और क्या सच में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर, सारी बातें करेंगे आने वाले समय में जब ये फोन लॉन्च होगा। और डेफिनेटली 1 दिसंबर को जब Snapdragon 875 लॉन्च होगा ना, तो उसका वीडियो भी ना यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाऊंगा। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5,00,000 सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।